हाथी धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर, जो शक्तिशाली है, बुद्धिमान है और आमतौर पर जिसका कोई परभक्षी भी नहीं है। लेकिन फिर भी आज इस पर इसके अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। एक समय था जब हाथी के पूर्वज पूरी धरती पर पाए जाते थे, लेकिन अब इनकी जंगली आबादी अफ्रीका और एशिया तक ही सिमट कर रह गई है। पिछले एक दशक में हाथियों की संख्या में करीब 62% की गिरावट आई है। हाथी के दांतों के लिए दुनिया भर में हर साल करीब 30,000 हाथियों का अवैध शिकार किया जाता है। केवल अफ्रीका में ही हर रोज हाथी दांत, मांस और उनके अंगों के लिए करीब 100 हाथियों को मार दिया जाता है, जबकि इनके पैदा होने की दर इससे काफी कम है। दरअसल एशियाई बाजारों में हाथी के दांत की कीमत बहुत ज्यादा होती है, जो शिकारियों को इनके शिकार के लिए प्रेरित करती है। हाथियों का इंसानों के साथ प्राचीन काल से ही बहुत करीबी रिश्ता रहा है। हाथी हमारे दंत कथाओं, कला, संस्कृति और साहित्य का अभिन्न अंग रहे हैं। यहाँ तक कि पाषाण युग के गुफा चित्रों से ये पता चलता है कि तब भी हाथी इंसानों के करीब थे। हाथियों को कला के विभिन्न रूपों जैसे चित्रों, मूर्तियों, संगीत, फिल्म और यहाँ तक कि वास्तुकला में भी दर्शाया जाता रहा है। हाथियों को एशिया में विशेष महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म में हाथी को गणेश जी या गणपति के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें सभी बाधाओं को हरने और घर में सुख समृद्धि देने वाला माना जाता है। भारत में हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तक यानी 10 दिनों तक गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जापानी बौद्ध धर्म में भी हाथी को भगवान गणेश की तरह ही कांगीटन के रूप में पूजा जाता है। वहां इन्हें परमानंद का देवता माना जाता है। कांगीटन गजमुख वाले नर और मादा होते हैं, जिन्हें एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए दर्शाया गया है, जो विपरीत की एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्लेटी रंग के अलावा कहीं कहीं सफेद हाथी भी पाए जाते हैं, जो काफी दुर्लभ होते हैं। थाईलैंड और बर्मा में इन हाथियों को पवित्र और शाही माना जाता है। यहाँ इन्हें सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। सफेद हाथी थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। व्हाइट एलिफेंट एक जेनेटिक म्यूटेशन है आपके इंडियन एलिफेंट की, अगर बोलें तो, क्योंकि दो मेन स्पीशीज हैं, अफ्रीकन और इंडियन, और सब स्पीशीज हैं, बोर्नियो है और अफ्रीकन बुश एलिफेंट है, बहुत सारे स्पीशीज हैं, बट देन वाइट एलिफेंट जो है वो आपका स्पेसिफिकली इंडियन एलिफेंट का स्पीशी है। और उसकी खास बात यह है कि थाईलैंड के कल्चर में पुराने ज़माने में वो किंग्स को प्रेजेंट किया जाता था, और वो एक प्रॉस्पेरिटी का सिग्नल था कि किंग जो है वो जनता उसको प्यार करती है। तो अगर जंगल में वो कहीं भी मिलता था, उसको इलीगली कैप्चर करके और राजा को दे दिया जाता था, पर उससे कभी काम नहीं करवाया जाता था, क्योंकि वो वाइट एलिफेंट था, उसको सेक्रेड माना जाता था, तो उसको हमेशा रखा जाता था और उसकी केयर के लिए लोगों को रखा जाता था। तो वो एक बहुत खर्चे वाली चीज़ थी। तो कुछ राजा अपने इन हाथियों को अपने दुश्मनों को दे देते थे, क्योंकि आप उससे काम तो करवा नहीं सकते, दुश्मन उस पर पैसा लगाता रहता था और वो बैंकरप्ट हो जाता था एक टाइम के बाद। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाषाण युग के गुफा चित्रों से लेकर आधुनिक चित्रकलाओं में कलाकारों के लिए हाथी सबसे लोकप्रिय विषय रहा है। प्राचीन काल से ही इंसान हाथियों को वजन उठाने, यातायात और युद्ध के लिए पालतू बनाते रहे हैं। युद्ध में हाथियों की अहम भूमिका होती थी।
भारत में हाथी प्राचीन समय से ही शाही समारोह की शान रहा है। दक्षिण भारत में आज भी कई त्योहारों में हाथियों को विशेष महत्व दिया जाता है। हाथी केरल का राज्य पशु है और वहां करीब 700 से ज्यादा हाथी पालतू हैं, जिनमें से ज्यादातर मंदिरों के स्वामित्व में हैं। हाथियों में कई ऐसी खूबियां होती हैं जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं, जैसे हाथी बहुत बुद्धिमान होता है और एक हाथी के कोर्टेक्स यानी वकुल्ट में उतने ही न्यूरॉन होते हैं जितना कि इंसानों के मस्तिष्क में। हाथी में खुशी, दुख, सीखना, उपकरणों का इस्तेमाल, मातृत्व, मिमिक्री, कला, खेल, परोपकारिता, दया और सहयोग जैसी भावनाएं होती हैं। हाथी इंसानों में महिला और पुरुष के बीच के अंतर को समझ सकते हैं और साथ ही अलग अलग आवाज भी पहचान सकते हैं। हाथी में सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे वो करीब 5 मील की दूरी से दूसरे हाथी की गर्जन को सुन सकता है और करीब 12 मील से पानी को सूंघ सकता है। हाथी खड़े खड़े ही सोते हैं और केवल बीमार होने की स्थिति में ही जमीन पर लेटते हैं। सूरज की किरणों से हाथी की त्वचा जल जाती है, जिससे बचने के लिए हाथी कीचड़ को अपने शरीर पर लगाते हैं। हाथी के दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। एक नर हाथी का दांत साल में करीब 7 है। आज धरती पर हाथी की मुख्य रूप से 2 ही प्रजातियां पाई जाती हैं, एलिफस मैक्सिमस यानी एशियाई हाथी और लाक्सोडोंटा अफ्रीकाना यानी अफ्रीकी हाथी। हाथी की एक और प्रजाति धरती पर पाई जाती थी जिसको हम मस्टोडान या मैमथ के नाम से जानते हैं, लेकिन अब वो विलुप्त हो चुकी है। 2 मेन टाइप हैं जो नॉर्मल आपके एलिफेंट्स माने जाते हैं, एक है एशियन और एक है आपका अफ्रीकन। बाकी जितने भी अलग अलग सब स्पीशीज हैं, छोटे स्पीशीज हैं, वो इसी में से निकले हैं। जैसे अफ्रीकन बुश एलिफेंट या अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो है वो एक अफ्रीकन नॉर्मल एलिफेंट का ही फॉर्म होता है, बस उसे थोड़ा कद में छोटा होता है। एवोल्यूशन के हिसाब से जब भी कोई जानवर थोड़ा आइसोलेट हो जाता है, या तो वो साइज़ में ज़्यादा बड़ा हो जाता है या साइज़ में ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो अफ्रीकन एलिफेंट के संग यही हुआ। दूसरा एक और सब स्पीशी है, उसको बोलते हैं बोर्नियो एलिफेंट, उसको पिग्मी एलिफेंट भी बोला जाता है। वो कद में काफ़ी छोटा होता है एलिफेंट के मुकाबले, वो इंडियन एलिफेंट से ही डिराइव हुआ है। फिर आपके होते हैं सेलोन एलिफेंट जो श्रीलंका में मिलता है, वो भी इंडियन एलिफेंट का ही फॉर्म है। तो आपके मेन अगर स्पीशी में जाया जाए तो सिर्फ 2 ही हैं, अफ्रीकन और इंडियन, बाकी सारे हैं पर वो सिर्फ म्यूटेशंस हैं, वो अपने स्पीशीज नहीं है। WWF के अनुसार वर्तमान में अफ्रीका के मैदानी और जंगलों में रहने वाले हाथियों की संख्या करीब 4,70,000 है, जो अफ्रीका के 37 देशों में पाए जाते हैं, जबकि एशियाई जंगली हाथियों की संख्या केवल 40,000 से 50,000 के बीच है, जो अफ्रीकी हाथियों की आबादी के 10वें भाग के बराबर है। ये भारत समेत एशिया के 13 देशों में पाए जाते हैं। इसमें बोर्नियो के पिग्मी या बौना हाथी भी शामिल है, जो दुनिया के सबसे छोटे हाथी होते हैं। इनके आकार के अनुसार इनके कान बड़े और पेट गोल मटोल होते हैं। इनकी पूंछ दूसरे हाथियों से लंबी होती है और कभी कभी तो ये जमीन को छूने लगती है। स्वभाव में भी ये बाकी हाथियों की तुलना में काफी शांत होते हैं। पिग्मी एलिफेंट बोर्नियो के जंगलों में मिलता है, सारे एलिफेंट्स की तरह वो भी थ्रेटेंड है। उसका कद और एलिफेंट्स के हिसाब से काफ़ी छोटा होता है, बिकॉज वो काफ़ी टाइम तक एक आइसोलेटेड एक अलग थलग पॉपुलेशन में पनपा। वो एक कैप्टिविटी में एलिफेंट रखे गए थे, ठीक है, एक लोगों ने एक इंडियन एलिफेंट्स को एक कैप्टिविटी में रखा गया था। अब हुआ क्या, वो अपने आप म्यूटेशंस हुए क्योंकि वो फॉरेस्ट में नहीं रहते थे, उनका न्यूट्रिशन अलग था, सब कुछ अलग था, तो वो म्यूटेट हुए। वो म्यूटेट जैसे ही हुए उनका साइज़ थोड़ा थोड़ा करके छोटा होता गया और सारे बोर्नियो के पॉपुलेशन उसी में से निकले हैं। वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, उनकी मैक्सिमम हाइट शायद पहुँचती है 8.5 से 9 या 10 फीट तक, बल्कि जो इंडियन एलिफेंट है वो 12 फीट तक पहुँच जाता है।
तो वो छोटे ही होते हैं और वो बॉर्नियो के जंगल्स के हिसाब से बिल्कुल सूटेड हैं अब, क्योंकि वो ढल गए हैं, पर बाकी सारे एलिफेंट्स की तरह वो भी थ्रेटन्ड हैं। अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथियों से कई मायनों में अलग होते हैं, जिसकी हम आसानी से पहचान कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथियों की तुलना में आकार में काफी बड़े होते हैं, साथ ही उनके कान भी बड़े और पंखेनुमा होते हैं। अफ्रीकी हाथियों में नर और मादा दोनों में दांत पाए जाते हैं। इसके अलावा अफ्रीकी हाथियों के अगले पैर में 5 उंगलियां होती हैं और पिछले पैर में केवल 3। वहीं अगर हम एशियाई हाथियों की बात करें तो ये अफ्रीकी हाथियों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं। इसके कान छोटे और सीधे होते हैं। अफ्रीकी हाथियों के विपरीत एशियाई हाथियों में केवल नरों में दांत पाए जाते हैं। कभी कभी दंतहीन नर भी देखने में आते हैं, जिन्हें मखना कहा जाता है। एशियाई हाथियों के अगले पैर में 5 और पिछले पैर में 4 उंगलियां होती हैं। अफ्रीकी हाथी जमीन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीवित जानवर है, जिसका औसत वजन करीब 60 टन होता है। इसके कंधे तक की ऊंचाई करीब 11 फीट तक होती है, जबकि इसकी लंबाई करीब 19 से 24 फीट तक होती है। वहीं एशियाई हाथियों का औसत वजन 5.5 टन के आसपास होता है। इसके कंधे तक की ऊंचाई करीब 7 से 11 फीट तक होती है। इसकी लंबाई करीब 21 फीट तक होती है। हालांकि अब तक सबसे बड़े हाथी का वजन करीब 11 टन दर्ज किया गया है, जिसकी कंधे तक की ऊंचाई 13 फीट थी। इसे 1956 में अंगोला में मार दिया गया था। हाथी के झुंडों का सामाजिक ढांचा मात्र सत्तात्मक होता है और झुंड का संचालन सबसे बड़ी हथिनी करती है। आमतौर पर झुंडों में हाथियों की संख्या 30 से 40 तक होती है, जिसमें नर, मादा, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल होते हैं। लेकिन जहां भोजन और पानी आसानी से मिल जाता है, वहां झुंडों में हाथियों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। झुंड हमेशा एक कतार में ही चलते हैं, जिसमें बच्चे आगे आगे और बाकी उसके पीछे चलते हैं। लेकिन आक्रमण के समय ये क्रम बदल जाता है, बच्चे मादाओं के पैरों के बीच में चले जाते हैं। हाथियों की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज होती है और इसके जरिए भी वो खतरे का पता लगा लेते हैं। खाते समय हाथी इस प्रकार खड़े होते हैं कि सबसे बड़ी हथिनी हवा की दिशा में खड़ी हो और बच्चे उसे ढूंढ सके। हाथी आक्रमण की सूचना अपनी सूंड से देते हैं, जिससे सभी चौकन्ने हो जाते हैं। एलिफेंट सूंघने की सेंसेशन से अपने दिमाग के अंदर पूरी की पूरी इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर कोई एलिफेंट ब्लाइंड भी हो जाए, वो सूंघ के काफ़ी अच्छा अनुमान लगा सकता है कि वो अपने सामने क्या देख रहा है या कौन सी चीज़ कितनी दूर है। स्टेटिस्टिकली बहुत सारी अलग अलग स्टडीज़ हैं, कुछ मानते हैं कि कई मीलों तक एलिफेंट सूंघ सकते हैं, कुछ मानते हैं कि आसपास का ही। जो एक साइंटिफिक फैक्ट है वो ये है कि ये माना जाता है अब कि एलिफेंट्स हवा में अपनी सूंड ऊंची करके काफ़ी हद तक ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स में हमको किस साइड से टेरिटोरियल किस किस पाथ पे चलना है। तो साइंटिफिकली तो ये है, लेकिन इस पे स्टडी जो है बहुत ब्लरी है, अभी बहुत कंक्लूसिव डेटा नहीं है कि कितना दूर तक सूंघ सकते हैं। नर एकांत में रहना पसंद करते हैं और केवल सहवास काल के दौरान ही वो झुंड में आते हैं। एक हथिनी 4 से 5 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। इनका गर्भकाल ही करीब 22 महीने का होता है, जो किसी भी स्तनपाई में सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि इनकी प्रजनन दर काफी धीमी होती है। जन्म के समय बच्चा 1 मीटर ऊंचा और करीब 90 किलोग्राम भार का होता है। एक हथिनी 3 से 4 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है और शेर, बाघ, चीते जैसे जानवरों से बचाती है। बच्चे का ख्याल झुंड की दूसरी मादाएं भी रखती हैं, जो उनके सामाजिक बंधन को दर्शाता है। एक नर हाथी 14 से 15 साल में वयस्क हो जाता है, लेकिन 20 साल में उसके शरीर का पूरा विकास होता है।
वही मादाएं 15 या 16 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे को जन्म देती हैं। हाथी की औसत आयु 60 वर्ष की होती है, हालांकि कुछ हाथी 70 वर्ष तक जीते पाए गए हैं। विशालकाय जंगली हाथी की खुराक भी उसके शरीर के अनुसार होती है। एक हाथी अपने दिन का 2/3 से भी ज्यादा समय घास खाने में बिताता है, लेकिन वो पेड़ों की छाल, जड़, पत्ते और कोंपले खाना भी पसंद करते हैं। हाथी को केले, धान और गन्ना काफी पसंद होता है, जिसकी वजह से वो कई बार इंसानी इलाकों में चले आते हैं। ज्यादातर हाथियों के झुंड ताजा पानी के स्रोतों के पास ही होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। वो दिन में एक बार पानी जरूर पीते हैं। एक सामान्य वयस्क हाथी आराम के दिनों में 75 किलोग्राम तक भोजन एक दिन में खाता है, लेकिन लंबी यात्रा और श्रम करने वाला हाथी एक दिन में 150 किलोग्राम चारा यानी घास, पत्ती और फल फूल खा लेता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली हथनी तो 200 किलोग्राम तक भोजन कर लेती है। इतने सारे भोजन की आपूर्ति के लिए हाथी को बहुत बड़े इलाके की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब उनके प्राकृतिक आवासों में हो रही कमी की वजह से हाथियों की इंसानों से सीधी टक्कर होने लगी है। ऐसे बहुत से भूभाग हैं जहां हाथी पहले आराम से घूमा करते थे, लेकिन अब खेती बाड़ी, पनबिजली परियोजनाएं, शहरीकरण, बागान, रेल मार्ग या सड़क निर्माण जैसी इंसानी गतिविधियों के कारण हाथियों के आवासों में कमी आई है। 20वीं सदी के दौरान तो अफ्रीकी और एशियाई दोनों की संख्या में काफी तेजी से गिरावट आई, जिसके बाद से इसे रोकने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे इसमें कमी तो आई है, लेकिन फिर भी अवैध शिकार और उनके प्राकृतिक आवासों के कम होने के कारण इंसानों से हो रहे संघर्ष की वजह से उन पर हमेशा खतरा बना रहता है। IUCN ने अफ्रीकी हाथियों को संकटग्रस्त और एशियाई हाथियों को लुप्त प्राय की सूची में रखा है। हाथियों की स्थिति को देखते हुए 2011 में फिल्मकार पेट्रिसिया सिम्स और माइकल क्लार्क ने एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन के साथ मिलकर हाथियों के लिए कुछ करने का फैसला लिया, और उनके प्रयासों से ही 2012 में 12 अगस्त को आधिकारिक तौर पर विश्व हाथी दिवस के रूप में घोषित किया गया। तब से लेकर अब तक पेट्रिसिया सिम्स विश्व हाथी दिवस की अगुवाई कर रहे हैं। अफ्रीकी हाथियों को एशियाई हाथियों की तुलना में ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि इनमें नर और मादा दोनों के हाथी दांत होते हैं, जिसकी वजह से इनका अवैध शिकार किया जाता है, जबकि एशियाई हाथियों में मादा के गजदंत नहीं होते और सिर्फ मांस के लिए इनका शिकार आम तौर पर नहीं होता, लेकिन इंसानी इलाकों में घुस आने से इनकी जान को खतरा रहता है। हालांकि बाकियों की तुलना में ये ज्यादा सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी ओर एशियाई नर हाथियों को उनके दांत के लिए शिकार बनाया जाता है, जिसकी वजह से भारत समेत कई एशियाई देशों में इनका लैंगिक अनुपात बिगड़ गया है। इसी को देखते हुए भारत सरकार की ओर से 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी, जिनमें हाथियों के अवैध शिकार को रोकने के साथ साथ उनके पर्यावास को बचाने और हाथी मानव संघर्ष जैसी समस्याओं को दूर करने पर विशेष बल दिया गया था। सारी स्पीशीज का एलिफेंट्स की जो थ्रेटेंड नहीं है, सारे थ्रेटेंड हैं, और सब थ्रेटेंड इसीलिए क्योंकि उनको दांतों का, उनका आइवरी का बिजनेस होता है। हाँ, ये बात सच है कि अफ्रीकन एलिफेंट ज़्यादा हंट होते हैं। अब इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। एक तो ये है कि इंडियन एलिफेंट को जंगल के अंदर ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो हमारे इंडिया के जंगल और जितने भी साउथ ईस्ट एशिया की स्टेट्स या कंट्रीज देखी जाएँ वो बहुत डेंस हैं, पर जो अफ्रीकन एलिफेंट होता है वो खुले में मिलता है, सवाना में मिलता है, तो उसको स्पॉट करना बड़ा आसान हो जाता है उस मुकाबले। इसके बाद 2010 में पर्यावरण मंत्रालय ने हाथियों के संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए उन्हें राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित कर दिया। हाथी को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की प्रथम सूची में रखा गया है, और उसका शिकार गैर कानूनी है।
कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा ने 1989 में हाथी दांत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फिर भी हाथी दांत की ऊंची कीमत होने की वजह से शिकारी जान का जोखिम उठाने से भी नहीं कतराते। हाथी समझदार जानवर होते हैं और हमेशा इंसानों से दूरी बनाकर रखते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका इंसानों से सामना ना हो, लेकिन जिस गति से इनका अवैध शिकार हो रहा है, इसके प्राकृतिक आवासों को छीना जा रहा है, इससे उस पर संकट गहराता जा रहा है। हम इंसानों को समझना होगा कि हमारे इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक प्रणाली के लिए हाथियों का होना कितना जरूरी है। हाथी दूसरे प्रजातियों के लिए जंगल और सवाना के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। हाथी सीधे तौर पर वन संरचना और उसके घनत्व को प्रभावित करते हैं। ये कई प्रकार के बीजों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिससे उनका विस्तार होता है। हमें ये समझना होगा कि दुनिया के इस सबसे विशालकाय जानवर का धरती पर रहना कितना जरूरी है। हमने इनके पूर्वजों को हजारों वर्ष पहले खो दिया है, लेकिन समय रहते अगर हमने सबक नहीं लिया तो शायद इस जीव को भी हम सिर्फ तस्वीरों में देख पाएंगे या कहानियों में सुन पाएंगे।